नमस्कार दोस्तों, एनएस ज्योतिष में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे कुंभ लग्न यानी कि एक्वेरियस एसेंडेंट का फरवरी 2024 का महीना कैसा रहेगा, आइए चलिए देखते हैं। अगर आपने कुंभ लग्न का जनवरी 2024 का मासिक फलादेश एवं उपाय नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करें। देखिए, ये जो भाव होता है ना, इस भाव को लग्न भाव कहते हैं। अगर इस भाव पे 11 नंबर लिखा हुआ है तो ये कुंभ लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। आइए देखते हैं शुरुआती तौर पे कौन कौन से ग्रह आपके किस किस भाव में बैठे हुए हैं। तो शनि आपके लग्न पे बैठे हुए हैं, राहु आपके दूसरे भाव में बैठे हुए हैं, गुरु आपके तीसरे भाव में बैठे हुए हैं, केतु आपके आठवें भाव में बैठे हुए हैं, चंद्रमा आपके नवम भाव में बैठे हुए हैं, मंगल और शुक्र आपके ग्यारहवें भाव में बैठे हुए हैं और सूर्य बुध आपके बारहवें भाव में बैठे हुए हैं। गोचर की अगर हम बात करें तो देखिए 5 फरवरी को मंगल का गोचर होगा और मंगल आपके 11वें भाव से आपके 12वें भाव में गोचर करेंगे। वहीं शुक्र 11 फरवरी को आपके 11वें भाव से 12वें भाव में गोचर करेंगे और सूर्य 13 फरवरी को आपके 12वें भाव से लग्न में गोचर करेंगे और बुध भी 19 फरवरी को आपके 12वें भाव से लग्न पे गोचर करेंगे। देखिए, इस फरवरी के महीने में शनि अस्त हो रहे हैं तो 17 फरवरी की शाम 7:21 से 22 मार्च सुबह 5:46 यानी कि 34 दिन तक शनि अस्त हो रहे हैं। इसके फल के बारे में भी हम लोग बात करेंगे कि आपको जब शनि अस्त होंगे तो क्या फल मिलेगा। देखिए, यहाँ पे दृष्टियों के लिए मैंने कुछ मार्किंग कर दिया है ताकि आपके समझ में आए। तो देखिए, यहाँ पे जैसे मंगल की दृष्टि पड़ रही है तो देखिए यहाँ पे आपके गोचर के बाद जब मंगल की दृष्टि पड़ेगी तो सर्कल मार्किंग किया हुआ है हैश के साथ, और यहाँ पे देखिए शनि का जैसे दृष्टि अगर आपका पड़ रहा है तो स्टार मार्किंग किया हुआ है। तो देखते हैं शनि की दृष्टि कहाँ कहाँ पड़ रही है। तो शनि आपके लग्न पे बैठ करके 1, 2, 3 तीसरी दृष्टि डाल रहे हैं आपके तीसरे भाव पे, 4, 5, 6, 7 सातवीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके सातवें भाव पे और 8, 9, 10 दसवीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके दसवें भाव पे। वहीं गुरु आपके तीसरे भाव में बैठ करके 1, 2, 3, 4, 5 दृष्टि डाल रहे हैं आपके सातवें भाव पे, 6, 7 दृष्टि डाल रहे हैं आपके नौवे भाव पे और 8, 9 दृष्टि डाल रहे हैं आपके ग्यारहवें भाव पे। और जब मंगल आपके ग्यारहवें भाव में रहेंगे तो 1, 2, 3, 4 चौथी दृष्टि डाल रहे हैं आपके दूसरे भाव पे, 5, 6, 7 दृष्टि डाल रहे हैं आपके पांचवें भाव पे और 8वीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके छठवें भाव पे। और जब मंगल का गोचर हो जाएगा तो एक एक भाव बढ़ जाता है। तो देखिए, फिर चौथी दृष्टि डाल रहे हैं आपके तीसरे भाव पे, 7वीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके छठवें भाव पे और 8वीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके सातवें भाव पे। देखिए, लग्न पे आपके शनि विराजमान है और शनि आपके लग्न पे 17 जनवरी 2023 से विराजमान होकर के 29 मार्च 2025 तक आपके लग्न पे ही विराजमान रहेंगे। और यहाँ पे देखिए, शनि अपने राशि में ही बैठे हुए हैं और आपके 12वें भाव के भी स्वामी हैं शनि। तो यहाँ पर आपका खुद पर खर्च बढ़ेगा, आपका दवाई बीमारी या हॉस्पिटल से संबंधित आपका खर्च बढ़ सकता है। जो लोग विदेश संबंधित काम कर रहे हैं उनका भी खर्च बढ़ेगा 17 जनवरी 2023 से। और यहाँ पे देखिए, शनि चूंकि अपने राशि में बैठे हुए हैं तो शनि आपके पत्रिका में 2.5 साल के लिए यानी कि 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक पंच महापुरुष योग का निर्माण कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस शनिदेव बहुत ज्यादा बढ़ाएंगे। और सूर्य बुध भी आपके लग्न पे विराजमान हो रहे हैं, हालांकि सूर्य देखिए 13 फरवरी को विराजमान हो रहे हैं और बुध 19 फरवरी को विराजमान हो रहे हैं। तो 19 फरवरी से आपके पत्रिका में बुध आदित्य योग का निर्माण भी हो रहा है सूर्य बुध की युति द्वारा। देखिए, सूर्य जो है आपके सप्तम भाव के स्वामी है तो यहाँ पे आपके स्पाउस हो गए, भागीदार हो गए, उनका सुख आपको अच्छा मिलने वाला है। आप अपने स्पाउस या भागीदार के साथ कोऑर्डिनेट करके भी चलेंगे और आप अपने स्पाउस की कमियों को भी पूर्ण करेंगे। देखिए, बुध जो है आपके पांचवें और आठवें भाव के स्वामी है जो कि आपके लग्न पे 19 फरवरी को विराजमान हो रहे हैं। तो 19 फरवरी से आप में थोड़ा बहुत नेगेटिविटी बढ़ेगा, स्टूडेंट्स अपने पढ़ाई का डिसीजन अच्छे से ले पाएंगे और आप अपने बच्चों के बारे में सोचेंगे भी। देखिए, यहाँ पर आपके प्रेमी या प्रेमिका से आप पर प्रभाव अच्छा पड़ने वाला है। और यहाँ पे देखिए, जब शनि अस्त हो रहे हैं ना 34 दिन के लिए, तो देखिए यहाँ पे शनि चूंकि आपके अस्त हो रहे हैं तो जो पंच महापुरुष योग का जो आपको प्रभाव मिल रहा था उसमें आपके कमी लाने वाले हैं। और शनि जब अस्त होंगे तो जिसको शुभ प्रभाव मिल रहा था उनके शुभ प्रभाव में कमी लाएंगे, जिसको अशुभ प्रभाव मिल रहा था उसके अशुभ प्रभाव में कमी लाएंगे। यानी कि देखिए, आपके लग्न पे विराजमान है तो आपके पंच महापुरुष योग में कमी लाएंगे, पर जहां जहां दृष्टि पड़ रही थी और चीजों को जो बिगड़ रहा था उसमें भी आपको सुधार देखने मिलेगा, जिसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। तो दूसरे भाव में आपके राहु भी विराजमान है और देखिए यहाँ पे मंगल की दृष्टि 4 फरवरी तक पड़ रही है और
आपके दूसरे भाव के स्वामी आपके तीसरे भाव में 22 अप्रैल 2023 से विराजमान है। देखिए दूसरा भाव जो होता है वो होता है आपके वाणी कुटुंब कोष का होता है। तो यहाँ पे चूंकि देखिए आपके दूसरे भाव के स्वामी आपके तीसरे भाव में विराजमान है, तो आपके पराक्रम से आपके धन की वृद्धि करेंगे। आपने नोटिस किया होगा कि आपके जो परिवार वाले होते हैं उनके स्वभाव में जिद बढ़ा है 30 अक्टूबर 2023 से, यानी कि राहु के गोचर से, और उसके बाद से मंगल की दृष्टि भी 27 दिसंबर से पड़ रही है। तो परिवार में पारिवारिक झगड़ों का आपको सामना करना पड़ रहा होगा, पारिवारिक कलेश हो रहा होगा, उसमें भी आपको कुछ सुधार देखने के लिए 5 फरवरी से मिल जाएगा। तीसरे भाव में आपके देखिए यहाँ पे गुरु विराजमान है और शनि की दृष्टि पड़ रही है और मंगल की दृष्टि भी 5 फरवरी से पड़ रही है, और यहाँ मंगल के घर में ही मंगल की दृष्टि पड़ रही है। देखिए आपका तीसरा भाव जो होता है वो होता है स्वयं के पराक्रम धैर्य का होता है, छोटे भाई बहन का होता है, पड़ोसी का होता है, डेली के प्रवास का होता है। तो यहाँ पे आपका देखिए गुरु चूंकि आपके तीसरे भाव में बैठे हुए हैं, तो आपका डेली का प्रवास तो कुछ ज्यादा बढ़ेगा, और मंगल की दृष्टि भी पड़ रही है तो आपका पराक्रम भी बढ़ने वाला है 5 फरवरी से। और यहाँ पे देखिए चूंकि शनि आपके तीसरे भाव में दृष्टि डाल रहे थे, तो आपके छोटे भाई बहन से थोड़ा बहुत मन मुटाव होने की संभावनाएं बन रही थी, उसमें आपको सुधार देखने के लिए मिलेगा। हालांकि देखिए मतभेद हो रहेगा आप लोगों के बीच में, जो मतभेद कुछ होकर हो रहा है तो उसमें भी आपका मतभेद बढ़ने वाला है और मतभेद रहेगा, क्योंकि देखिए गुरु अब अपना पूरा फल देंगे क्योंकि शनि आपके अस्त हो जा रहे हैं। तो जो शनि गुरु से प्रभावित होकर के जो कम फल दे रहे थे वो अब ज्यादा फल देंगे, तो गुरु आपको ज्यादा फल देंगे, तो मन मुटाव होने की संभावनाएं बढ़ रही है। और यहाँ पे देखिए आपके मंगल की दृष्टि पड़ रही है, तो जो आपके छोटे भाई बहन हो गए उनके स्वभाव में जिद बढ़ेगा, उनको गुस्सा ज्यादा आएगा, तो यहाँ पे आप कोशिश कीजिए कि उनके साथ विवाद हो सकता है तो विवाद से बचें। चौथे भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है और किसी ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही है, और आपके चौथे भाव के जो स्वामी है देखिए आपके 11वें भाव में विराजमान है। देखिए चौथा भाव जो होता है वो होता है सुख माता घर वाहन का होता है। तो यहाँ पे आपके चौथे भाव के स्वामी चूंकि 11वें भाव में विराजमान है, तो जो लोग भी रियल एस्टेट से संबंधित काम कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट से संबंधित काम कर रहे हैं, यानी कि रियल एस्टेट ब्रोकर हैं, या फिर ट्रांसपोर्ट का आपकी गाड़ियां का काम कर रहे हैं, ट्रक से रिलेटेड काम कर रहे हैं, या फिर नई पुरानी गाड़ी का काम कर रहे हैं, कार डिटेलिंग का काम कर रहे हैं, फ्लैट्स को ब्रोकरेज में लगा रहे हैं, या कोई भी आप रियल एस्टेट या ट्रांसपोर्ट से संबंधित काम कर रहे हैं, तो उनके लाभ के योग 18 जनवरी से 10 फरवरी तक बने हुए हैं, उनको अच्छा लाभ होगा। और वहीं जब आपके चौथे भाव का स्वामी जब आपके 12वें भाव में विराजमान होगा, तो आपका खर्च होगा आपके सुख पर, माता पर, घर पर, वाहन पर आपका खर्च होगा। तो यहाँ पे आपको खर्च आपका बढ़ने वाला है 11 फरवरी से घर माता सुख वाहन पे। और आपके 5वें भाव में देखिए कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे मंगल की दृष्टि आपके 5वें भाव में पड़ रही है। हालांकि मंगल की दृष्टि जो पड़ रही है वो 4 फरवरी तक ही पड़ रही है, और आपके 5वें भाव के जो स्वामी है आपके 12वें भाव में विराजमान है। देखिए पांचवा भाव जो होता है वो होता है आपके संतति प्रेम पढ़ाई साधना का होता है। तो यहाँ पे आपके जो बच्चे होते हैं बच्चे के पढ़ाई पे आपका खर्च बढ़ेगा, अगर आपका कोई प्रेम संबंध चल रहा है तो प्रेम संबंध में आपका खर्च बढ़ेगा, आप अगर साधना करते हैं तो साधना भी हो सकता है आप कोई ऐसा जगह जाए कहीं बाहर जाने का प्लान करें या फिर कहीं बाहर जाकर के करें जिससे कि आपका साधना पे भी आपका खर्च होए। और जो स्टूडेंट्स हैं वे बाहर जाकर के पढ़ना चाह रहे हैं उनके लिए 1 फरवरी से 18 फरवरी तक उनके लिए फेवरेबल समय है, वे इस समय प्रयास करेंगे तो उनके लिए अच्छा रहेगा। यहाँ पे हालांकि देखिए मंगल की दृष्टि 27 दिसंबर से पड़ रही थी, तो आपके प्रेम संबंध हो गए, आपके बच्चे हो गए, उनके स्वभाव में गुस्सा बढ़ा हुआ था और उनके साथ विवाद होने की संभावनाएं भी बढ़ रही थी, तो यहाँ पे आपके विवाद होने की संभावनाएं जो है वो 5 फरवरी से कम हो जा रही है। और यहाँ पे देखिए शुक्र की दृष्टि भी पड़ रही है 10 फरवरी तक, तो यहाँ पे आपके बच्चों का आप लोग का विशेष तौर पर ध्यान देना है, हो सकता है उनका अपोजिट सेक्स के प्रति अट्रैक्शन बढ़े, तो इस चीज का आप विशेष तौर पर ध्यान दें, थोड़ा सा संभल करके उन पे केयरफुल नजर रखें। छठवें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए मंगल की दृष्टि 27 दिसंबर से पड़ रही है, और आपका छठवां भाव जो है वो कर्क का है जिसके स्वामी चंद्रमा है। तो देखिए छठवां भाव जो होता है वो होता है आपके रोग ऋण शत्रु मामा मौसी का होता है। तो यहाँ पे देखिए मंगल की दृष्टि चूंकि आपके छठवें भाव में 27 दिसंबर से पड़ रही है, तो आपके
मामा मौसी हो गए या फिर आपके शत्रु हो गए, उनके स्वभाव में गुस्सा बढ़ेगा, उनसे विवाद होने की संभावनाएं बढ़ रही हैं, कॉम्पिटिटर से विवाद होने की संभावनाएं बढ़ रही हैं। तो देखिए, कॉम्पिटिटर से विवाद तो होने की संभावनाएं बढ़ रही हैं, पर कोशिश कीजिए विवाद से बचें। और छठवें भाव में देखिए, यहाँ पे जब चंद्रमा आपके 21 और 22 तारीख को आए विराजमान होंगे, तो यहाँ पे चंद्रमा द्वारा आपके पत्रिका में विपरीत राजयोग का निर्माण हो रहा है। देखिए यहाँ पे 21 और 22 तारीख को आपके शत्रु आपके कॉम्पिटिटर होते हैं, उस पर आपका खर्च बढ़ेगा, हो सकता है कुछ रोग से संबंधित में भी आपका खर्च बढ़े। देखिए छठवें भाव में जब चंद्रमा विराजमान होते हैं ना, तो हो सकता है आपको निराशा, चिंता, भय हुए और आपका मन भी अशांत रह सकता है। सातवें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए गुरु की दृष्टि पड़ रही है, शनि की दृष्टि पड़ रही है और मंगल की दृष्टि भी 5 फरवरी से पड़ रही है, और आपके सातवें भाव के स्वामी जो है आपके 12वें भाव में विराजमान है। देखिए सातवां भाव जो होता है वो होता है आपके स्पाउस, भागीदार का होता है। तो देखिए यहाँ पे आपके सातवें भाव के जो स्वामी आपके 12वें भाव में 14 जनवरी से 12 फरवरी तक विराजमान है, तो इस समय आपका आपके स्पाउस हो गए, भागीदार हो गए, उन पे आपका खर्च बढ़ेगा। और यहाँ पे देखिए आपके मन मुटाव होने की संभावना है, यानी कि जो आपका रिलेशन होता है, रिलेशंस में दूरी आने की संभावना है जो बनी हुई थी 17 जनवरी 2023 से, और हो सकता है कि आपके और आपके स्पाउस के बीच में थोड़ा बहुत मन मुटाव भी हुआ हो, तो देखिए उसमें आपको सुधार देखने के लिए मिलेगा, खासकर 17 फरवरी 2024 से 22 मार्च 2024 तक। पर यहाँ पे देखिए मंगल की दृष्टि 5 फरवरी से पड़ रही है, तो आपके स्पाउस हो गए, भागीदार हो गए, उनके स्वभाव में गुस्सा बढ़ने वाला है, तो विवाद से आपको बस बचना है। बाकी आपका देखिए यहाँ पे गुरु की दृष्टि भी पड़ रही है, तो आपका रिलेशंस में तो नो डाउट अभी आपको सुधार मिलने वाला है। और जब आपके सातवें भाव के स्वामी आपके लग्न पे विराजमान होंगे, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आपका स्पाउस का आपको सुख अच्छा मिलने वाला है, भागीदार का सुख अच्छा मिलने वाला है, आप आपके स्पाउस या भागीदार के साथ कोऑर्डिनेट करके चलेंगे। यहाँ पे देखिए आठवें भाव में आपके केतु विराजमान है, और आपके आठवें भाव के जो स्वामी है आपके 12वें भाव में विराजमान है। देखिए यहाँ पे बुध द्वारा आपके पत्रिका में विपरीत राजयोग का निर्माण हो रहा है 1 फरवरी से 18 फरवरी तक, और आपका आठवां भाव जो होता है वो होता है आपके आयु, जीवन, मृत्यु, अचानक धन लाभ, ससुराल का होता है। तो यहाँ पे देखिए आपके आठवें भाव में चूंकि केतु विराजमान है, तो आपके ससुराल वाले जो होंगे उनको आपको प्रेडिक्ट करने में थोड़ा मुश्किल जा रहा होगा, मतलब उनको आपको समझने में मुश्किल जा रहा होगा, वे बोलेंगे कुछ करेंगे कुछ, तो आपको 30 अक्टूबर से ये चीज आप ये नोटिस कर रहे होंगे। और आपके आठवें भाव के स्वामी आपके 12वें भाव में विराजमान है, तो यहाँ पे आप खर्चा कम करेंगे, हालांकि आपके ससुराल वालों पर कुछ खर्च हो सकता है। और जब आपके अष्टम भाव के स्वामी आपके लग्न पे 19 फरवरी को विराजमान होंगे, तो जैसा कि मैंने आपको बताया आप थोड़ा बहुत नेगेटिविटी महसूस करेंगे। देखिए नवम भाव में आपके चंद्रमा विराजमान है, और चंद्रमा आपके 1, 2 और 29 तारीख को विराजमान रहेंगे, और यहाँ पे आपके नवम भाव में गुरु की दृष्टि पड़ रही है, और आपके नवम भाव के जो स्वामी है आपके 11वें भाव में विराजमान है। देखिए नवम भाव जो होता है वो होता है आपके भाग्य, धर्म, तीर्थ यात्रा, जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस का होता है। तो यहाँ पे आपके देखिए नवम भाव के स्वामी चूंकि आपके 11वें भाव में विराजमान है, तो आपका नसीब आपके दोस्त या पहचान वाले द्वारा आपको फायदा होने वाला है। और वैसे भी आपके देखिए नवम भाव में गुरु की दृष्टि पड़ रही है, तो आपका नसीब आपका अच्छा साथ दे रहा होगा। और जब शनि जब अस्त हो जाएंगे, तो गुरु देखिए यहाँ पे और ज्यादा आपका फल देंगे, मतलब कि आने वाले समय में यानी कि 17 फरवरी से आपका नसीब बहुत अच्छा आपका साथ देगा और आपकी आमदनी भी अच्छी होगी। हो सकता है कि देखिए यहाँ पे आप 10 फरवरी तक अपने बड़े भाई बहन या फिर अपने दोस्त या पहचान वालों के साथ कहीं तीर्थ यात्रा पे भी जाएं, और 11 फरवरी से जब आपके नवम भाव के स्वामी आपके 12वें भाव में विराजमान होंगे, तो आपका खर्च बढ़ेगा, हो सकता है आपका धार्मिक कार्यों पे आपका खर्च बढ़े। देखिए यहाँ पर जो आपके छठवें भाव के स्वामी थे ना, वो भी आपके 12वें भाव में जब जा रहे थे, तो थोड़ा बहुत जो लोग विदेश जाने का प्रयास कर रहे थे उनको अड़चनों का सामना करना पड़ता, पर यहाँ पे आपके नवम भाव के स्वामी भी आपके 12वें भाव में 11 फरवरी से विराजमान होंगे, तो 11 फरवरी के बाद जो लोग विदेश जाने का प्रयास कर रहे हैं, खासकर देखिए जब बुध का गोचर हो जाएगा 18 फरवरी, तो लगभग 19 फरवरी के बाद से जो लोग विदेश जाने का प्रयास कर रहे हैं उन लोग अपना प्रयास बढ़ाएं, तो उनका काम निश्चित तौर पर होने वाला है। दशम भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए शनि की दृष्टि आपके दशम भाव में पड़ रही है, और आपके दशम भाव के जो स्वामी है आपके 11वें भाव में विराजमान है। देखिए दशम भाव जो होता है वो होता है आपके बॉस, पिता, काम, ऑफिस का होता है। तो यहाँ पे देखिए शनि की दृष्टि चूंकि आपके दशम भाव में 17 जनवरी 2023 से पड़ रही थी, तो आपके काम में आपको बाधाओं का सामना बहुत ज्यादा करना पड़ रहा था, काम में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। तो देखिए यहाँ पे जब शनि अस्त होंगे,
तो उसमें आपको सुधार देखने मिलेगा। पिता और बॉस से मनमुटाव होने की संभावनाएं बनी हुई थी, हो सकता है आपका आपके पिता और बॉस से मनमुटाव भी हुआ हुआ हो, तो उसमें भी आपको सुधार देखने के लिए मिलेगा। हालांकि देखिए आपके दशम भाव के स्वामी आपके 11वें भाव में 27 दिसंबर 2023 से विराजमान है और 4 फरवरी 2024 तक विराजमान रहेंगे, तो यहाँ पे आपके पहचान वाले हो गए, मित्र हो गए, उनसे आपको काम मिलने की संभावनाएं बन रही थी और यहाँ पे आपके कम्युनिकेशन से भी आपके लाभ होने की संभावनाएं बन रही हैं। और आपके दशम भाव के स्वामी जब आपके 12वें भाव में 5 फरवरी को विराजमान होंगे तो यहाँ पे आपका आपके काम पे खर्च बढ़ेगा, पिता पे भी आपका कुछ ना कुछ खर्च बढ़ सकता है, काम में थोड़ी बहुत अड़चनों का आपको सामना करना पड़ेगा और काम समय पर भी नहीं होगा। पर यहाँ पे देखिए जो लोग विदेश संबंधित काम कर रहे हैं ना, जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, फॉरेन ट्रेड हो गया या फॉरेन से प्रोजेक्ट्स उठाते हैं, उनके अच्छे लाभ के योग बने हुए हैं, खासकर 5 फरवरी से। 11वें भाव में आपके मंगल विराजमान है और शुक्र विराजमान है। हालांकि देखिए मंगल तो इस महीने में 4 दिन के लिए ही विराजमान है और शुक्र 10 दिन के लिए विराजमान है और गुरु की दृष्टि आपके 11वें भाव में पड़ रही है। देखिए यहाँ पे जो आपके 11वें भाव के स्वामी है वो आपके 3रे भाव में विराजमान है और 3रे भाव के जो स्वामी है आपके 11वें भाव में विराजमान है। देखिए 11वां भाव जो होता है वो होता है आपके आय, दोस्त, पहचान के लोग, बड़े भाई बहन का होता है। तो यहाँ पे देखिए मंगल चुकी आपके 27 दिसंबर से विराजमान थे तो बड़े भाई बहन हो गए, दोस्त हो गए, उनके स्वभाव में गुस्सा बढ़ा हुआ था, उनसे विवाद होने की संभावनाएं जो बड़ी हुई थी उसमें आपको सुधार देखने 4 फरवरी से मिलेगा। और 27 दिसंबर से देखिए जब मंगल आपके 11वें भाव में विराजमान हुए हैं तो उसके बाद से आप अपने हिम्मत से पैसा कमाएंगे और आपकी हिम्मत भी बढ़ेगी, आपके एफर्ट से आपको लाभ होगा। और यहाँ पे देखिए आपके नवम भाव के स्वामी आपके 3रे भाव में विराजमान है 22 अप्रैल 2023 से, तो आप बहुत ही ज्यादा धैर्यशील रह रहे होंगे। 12वें भाव में आपके सूर्य विराजमान है, हालांकि सूर्य देखिए यहाँ पे 12 दिन के लिए, बुध 18 दिन के लिए विराजमान होंगे और मंगल 5 फरवरी को गोचर कर और शुक्र 11 फरवरी को गोचर करेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया आपके 12वें भाव के स्वामी आपके लग्न पे विराजमान है। देखिए 12वां भाव जो होता है वो होता है आपके खर्च, हॉस्पिटल, जेल, फॉरेन, मोक्ष का होता है। तो 12वें भाव में जब आपके मंगल यहाँ पे देखिए जब 5 फरवरी को गोचर करेंगे ना, तो यहाँ पे आपके जो छोटे भाई बहन होते हैं उनपे आपका खर्च बढ़ेगा, पड़ोसी पे आपका कुछ ना कुछ खर्च बढ़ सकता है। और यहाँ पे देखिए 12वें भाव में आपके सूर्य विराजमान है, मंगल विराजमान हो रहे हैं और शुक्र विराजमान हो रहे हैं, तो यहाँ पे आपको वाहन संभाल के चलाएं, हो सकता है सरकारी दंड भरना पड़ सकता है या फिर किसी भी किस्म का आप ट्रैफिक रूल्स का अगर आप उल्लंघन करेंगे तो हो सकता है सरकारी दंड भी भरना पड़ सकता है। और यहाँ पे देखिए 12वें भाव में आपके बुध आ रहे हैं जो कि आपके 1 फरवरी से 18 फरवरी तक विराजमान रहेंगे, तो हो सकता है आपका कम्युनिकेशन डिवाइसेस पे खर्चा हो और 11 फरवरी से आपका आपके स्पाउस पे खर्चा बढ़े। देखिए 5 फरवरी से चूंकि मंगल आपके विराजमान हो रहे हैं तो आप लोग कोशिश कीजिए कि अगर आपका कोई विवाद होता है तो आप लोग अपने से ही सॉल्व कर लें, अननेसेसरी पुलिस वुलिस के लफड़े में नहीं पड़े, वरना यहाँ पे थोड़ा बहुत परेशानी आपकी बढ़ सकती है, तो इस चीज का आप ध्यान दें। आइए गुड डेट्स और बैड डेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो गुड डेट्स वो डेट्स हो जाते हैं जिस दिन अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाह रहे हैं, कोई कंपनी के में आपके एग्रीमेंट हो रहा है, कोई कंपनी में आपके ज्वाइनिंग हो रहा है या फिर अगर आप कहीं बाहर जाने का भी प्लान कर रहे हैं तो इस डेट्स को आप कंसिडर कर सकते हैं। तो डेट्स हो जाते हैं 1 से 5 तारीख, 10 से 11 तारीख, 14 से 18 तारीख, 23 से 25 तारीख और 29 तारीख। वही बैड डेट्स में अगर आप कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, कोई कंपनी के साथ आपके एग्रीमेंट हो रहा है, कोई कंपनी में आपके ज्वाइनिंग हो रहा है या फिर अगर आप कोई नया सामान भी खरीदना चाह रहे हैं तो इस डेट्स को आप अवॉइड कीजिए। तो डेट्स हो जाते हैं 8 और 9 तारीख, 12 से 13 तारीख, 26 से 28 तारीख। इस डेट्स को आप कहीं लिख करके रख लीजिए ताकि आपके ध्यान में रहे। देखिए कुंभ लग्न वालों को ना देवी की पूजा तो नियम पूर्वक करनी चाहिए, तो अगर आप कोई भी देवी के मंदिर अगर आप शुक्रवार के दिन जा रहे हैं देवी के पूजा करेंगे तो आपको अच्छा लाभ होगा। और आपके नवम भाव में देखिए यहाँ पे गुरु की दृष्टि भी पड़ रही है तो आपको नियम पूर्वक साईं बाबा के मंदिर या फिर दत्त मंदिर जाना चाहिए जिससे आपको अच्छा लाभ होगा। आशा करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हैं और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए। और अगर आप हमें Facebook पेज पे देख रहे हैं तो Facebook पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।